तो नाम में क्या रखा है बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हॉटस्टार के बारे में। हॉटस्टार अगर आप यूज़ करते हैं, हॉटस्टार पे अगर आप सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा डेटा हो जाता है ख़त्म बहुत ही जल्दी। तो कैसे आप हॉटस्टार पे डेटा बचा सकते हैं, कम से कम डेटा में आप ज़्यादा मूवीज ज़्यादा सीरियल देख सकते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ उसके लिए मैं ओपन करूँगा अपना हॉटस्टार एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आपने करनी होती हैं कुछ सेटिंग्स, उसके बाद आपका जो डेटा है वो बहुत ही कम खर्च होगा अगर आप ये दो सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे आपने हॉटस्टार को ओपन करने के बाद इसके लेफ्ट साइड देखना है, ऊपर तीन जो लाइनें होती है यहाँ पे करना होता है क्लिक। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है, ठीक है ना। ये जो नया पेज ओपन होता है जहाँ आपने जाना है सबसे नीचे, सबसे नीचे है हेल्प, उसके ऊपर जहाँ देखिए ये वाला जो ऑप्शन है जहाँ उसके आगे है सेटिंग का आइकन, इस पर कर देना होता है क्लिक। जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं हॉटस्टार की सेटिंग में, जहाँ आपने करने हैं दो काम। सबसे पहला ये देखिए, ये जो वीडियो क्वालिटी है इस पर करना होता है क्लिक, ठीक है। ये ऑटो है पहले से, इसको आपने लो कर देना है, ठीक है। लो करने से आपका डेटा बहुत ही कम खर्च होगा, थोड़ी सी जो वीडियो क्वालिटी है वो ज़रूर कम होगी लेकिन आपका डेटा बहुत ही कम खर्च होगा। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही तो आप यहाँ फिर से क्लिक करके मीडियम कर दीजिए, हाई नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपने हाई करना है ना ऑटो करना है, मीडियम कीजिए या लो कीजिए अगर आप कम डेटा खर्चना चाहते हैं हॉटस्टार पे। तो एक तो ये सेटिंग आपने कर लेनी है। जो दूसरी है वो यहाँ पे देखिए ऑटो प्ले ट्रेलर्स, ठीक है, इसके सामने जो बटन है इसको कर देना है ऑफ। ये दो काम अगर आप कर लेते हैं आपका काफ़ी कम डेटा खर्च होगा हॉटस्टार पे। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करें, मिलेंगे अगले वीडियो में।